इलाहाबाद में 2 जनवरी से 1 महीने का माघ मेला शुरू हो गया है। मेले के पहले स्नान पर्व 2 जनवरी को पौष पूर्णिमा के मौके पर संगम में साफ और निर्मल जल नहीं मिलने से स्वामी प्रबंधन समिति के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम महाराज ने नाराज होकर गंगा स्नान का बहिष्कार कर दिया। ये खबर कुछ ही देर में पूरे मेला क्षेत्र में फैल गई और लगभग सभी साधु सन्यासी इस बहिष्कार में शामिल हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि गंगा में दूषित जल होने से साधु संतों के साथ ही श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही है। मेला प्रशासन को फौरन इस ओर ध्यान देना चाहिए। सन्यासियों ने सख्त लहजे में कहा, माँ गंगा हमारी आस्था है, आस्था के साथ खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इस बार प्रदेश में योगी की सरकार है, बड़ी उम्मीद थी कि गंगा की साफ सफाई हुई होगी, लेकिन गंगा इतनी प्रदूषित है, कम से कम माघ मेले में तो गंगा में पानी छोड़ देते। योगी केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक संत भी है, उनसे बेहतर कौन जानता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।